आज की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मशहूर समाज सेवी और सीपीआई नेता पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। कोल्हापुर में सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े कॉमरेड माने जाने वाले गोविंद पानसरे पर बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी पत्नी को मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी। पानसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। गोविंद पानसरे पर हुए हमले से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। सभी पार्टियों ने वारदात की निंदा की है। कॉमरेड गोविंद पानसरे जी पे जो जानलेवा हमला हुआ है, हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर गरीबों की लड़ाई लड़ता हो, लोगों को न्याय देने की भूमिका लेकर लड़ाई लड़े, और ऐसे व्यक्ति पे अगर जानलेवा हमला होता है तो ये बहुत ही दुखद बात है। इसकी घोर निंदा करते हैं हम, खंडन करने की बात नहीं, लेकिन इस तरीके से जो लोगों की मतलब जिंदगी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं महाराष्ट्र में, इस ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में वहाँ की राज्य सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। कॉमरेड गोविंदराव पानसरे पर जो हल्ला हुआ है उसका मैं तीव्र शब्दों में धिक्कार करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत 10 टीम फॉर्म की है या हमला करने वालों को पकड़ने के लिए, और मुझे आशा है कि इसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी और पानसरे साहब की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो, इसलिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ।